तो ये कुछ नया करने की कोशिश है, और नया करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पुरानी चीज़ें करना छोड़ दें। तो मतलब मुझे अभी भी घूमना फिरना, नई नई जगहों पे जाना और बाद में उनके बारे में वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, पर हाल फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक ही चीज़ है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखना। जैसे ही हमारे शरीर में कोई चोट लगती है तो हम फटाक से भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, पर अगर आपकी मानसिक स्थिति में कोई चोट लगती है तो मतलब इस लापरवाही का एक कारण भी है। इंडिया में अगर आप किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक घंटे के एक सेशन के लिए 500 से लेकर 2500 रुपए के बीच में खर्चना पड़ेगा। आपकी मानसिक स्थिति आपकी सेहत का एक हिस्सा है, और अगर आप सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि इलाज बहुत महंगा है, तो एक उपाय है। मैं बहुत लंबे समय से कई साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिल रही हूँ। उन सब ने मुझे एक कॉमन चीज बताई, CBT, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मैं इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करती पर मुझे कुछ मिला नहीं। ओह वेट, मिल गया। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार परक चिकित्सा। तो CBT, और हर मानसिक बीमारी की एक अलग CBT होती है। डिप्रेशन की CBT अलग है, टेंशन की CBT अलग है, और हाँ टेंशन से भी कई मानसिक बीमारियां होती है, और टेंशन अपने आप में ही एक मानसिक बीमारी है। तो जब भी आप किसी मनोरोग चिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ उर्फ साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, तो वो कुछ समय के लिए आपको दवाई लिखने से पहले आपकी CBT ही करेंगे। अच्छा, वैसे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अलग अलग होते हैं, मतलब खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आपका दिमागी डॉक्टर बहुत ही अच्छा इंसान है तो वो खुद आपको ये बोलेगा कि आप भी कुछ समय अपनी खुद की CBT करके देख सकते हैं। CBT मतलब काउंसिलिंग, जो डॉक्टर आपसे सवाल जवाब करते हैं, आपका साइकाइट्रिस्ट आपको जो सजेशंस देता है, वो सब CBT का हिस्सा है। मगर ये नहीं बोल सकते कि फिर डॉक्टर की जरूरत ही क्या है, हम खुद ही खुद का इलाज कर लेते हैं। डॉक्टर की जरूरत है, उन्होंने वो चीज पढ़ी है तो वो हमसे बेहतर जानते हैं। पर अगर बजट ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है तो कम से कम एक महीने हम खुद की CBT करके खुद को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एक महीने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं दिखता, अपनी मानसिक स्थिति को हल्के में मत लो, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। पर कम से कम हम एक कोशिश कर सकते हैं, और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ इन वीडियोस के थ्रू कि ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों के बारे में जानें और ठीक होने के बारे में सोचें। और इसी कोशिश को जारी रखते हुए मैं हर दिन एक नया वीडियो बनाऊंगी। हर वीडियो में एक नई मानसिक बीमारी की CBT होगी, और मैं ये सेम वीडियो इंग्लिश में भी बना रही हूँ, तो अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो लिंक वीडियो के एंड में है। तो शुरू करते हैं, आज की बीमारी है OCD। इंडिया में 10 में से 8 लोगों को OCD होता है, और 10 में से 9 लोगों को पता भी नहीं है OCD क्या है। तो पहले शुरू करते हैं OCD क्या है। OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD का अगर हिंदी नाम होता तो वो होता खतरनाक वहम, मतलब खतरनाक। मतलब एक होता है वहम कि बिल्ली रास्ता काट गई, आज बाई आंख फड़क रही है। फिर एक होता है खतरनाक वहम, यानी कि अगर मैंने लाइट का स्विच 12 बार ऑन एंड ऑफ नहीं किया तो मेरे घर में कुछ हो जाएगा। अगर मैंने अगला रंग लाल देख लिया तो मेरे घर में कुछ हो जाएगा। अगर मैंने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा। हर वक्त कोई ना कोई डर में जीना। इतने सारे भ्रम बन जाते हैं एक OCD से पीड़ित आदमी में, उनकी पूरी जिंदगी उन भ्रमों के चारों तरफ घूमने लग जाती है। वो रोज सुबह घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, पर आधे रास्ते से वापस आते हैं क्योंकि उन्हें एकदम से लगता है कि अगर वो वापस घर नहीं आए तो कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो ऑफिस जाते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी। वो धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। वो पूरे दिन अपने हाथ पैर साफ करते रहते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि उन्हें पूरे टाइम ऐसा लगता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है।
अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का OCD होता है, अलग अलग तरह के भ्रम होते हैं, पर सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि OCD में इंसान बहुत डरा रहता है। OCD से पीड़ित आदमी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि वो कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचे, समझे, अपने OCD की बात ना माने और जो समझदार ऑप्शन है उसको फॉलो करे। पर OCD आपकी समझदारी ख़त्म कर देता है। उस वक्त आपको इतना डर लगता है कि आप बस वो चीज़ करोगे जिससे डर चला जाए। मतलब अगर दो पेन हैं, एक पेन उठाने से सब तबाह हो जाएगा, तो आप वो पेन नहीं उठाओगे। OCD हर चीज़ में आपको इतना सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जिन चीज़ों में आपको एक्चुअली सोचना चाहिए उन चीज़ों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं बचता। और छोटी छोटी चीज़ों में जिनमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उनमें हम इतना सोचते हैं कि हमारा बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है और टेंशन भी बढ़ती है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। और OCD के नियम ना ही समाज ने बनाए हैं, ना ही आपको कोई और इंसान मजबूर कर रहा है। OCD के नियम आपने बनाए हैं अपने खुद के दिमाग में, जो कि असली दुनिया में लागू भी नहीं होते हैं। मतलब चलते वक्त हमेशा सिर्फ एक ही रंग की टाइल पे चलना, मैसेज करते वक्त सिर्फ चार शब्द लिखना, हर शब्द गिनना, ये सब नियम समाज ने नहीं बनाए हैं, ये आपके OCD ने बनाए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप भी करते हैं तो ये माइल्ड OCD के लक्षण हैं, और इससे पहले ये सीरियस हो जाए आप खुद अपनी CBT करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। OCD की CBT कैसे करें? सबसे पहले तो हमें खुद का आंकलन करना है। आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ में चार भाग करने हैं, और मैं ये सेम चीज़ एक व्हाइट बोर्ड पे करूँगी क्योंकि कागज़ बचाओ पेट बचाओ। तो चार भाग में हम लिखेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। आपकी स्ट्रेंथ है आपके गुण, आपकी ताकत, आपकी क्वालिटीज। आपकी वीकनेस है आपके अवगुण, आपकी कमजोरियां। आपकी अपॉर्चुनिटी है सोचने वाला काम, क्योंकि हम पूरे दिन यही तो सोचते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, उसे ये मिल गया, उसे वो क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपको मिल सकती हैं अपने दम पर। अपॉर्चुनिटीज़ में हमें वो ही लिखना है जो हमें मिल सकता है। मतलब हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आप खुद क्या कमा सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, वो आप अपॉर्चुनिटीज़ में लिखेंगे। थ्रेट्स में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार यही सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मेरी ज़िंदगी में वो खराब हो गया, ये खराब हो गया, और मतलब ये सब की लिस्ट ही आपको थ्रेट्स में लिखनी है। तो हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ खराब चल रहा है, जो भी परेशानी है, वो सब आपकी थ्रेट्स में आ जाएगा। तो लिख दीजिए जल्दी से। मैं सब में एक एक पॉइंट लिखूंगी, पर जब आप खुद का आंकलन करें तो आपको कम से कम हर एक में 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो शुरू करते हैं फिर मेरी स्ट्रेंथ से। मैं लिख सकती हूँ, मैं वॉइस ओवर करती हूँ। अगर आपको मेरी वॉइस ओवर सुनने हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने अपनी बहुत ही अच्छी आवाज का प्रयोग किया है। तो कह सकते हैं लड़की होनहार है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मेरा आलस्य। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। मेरा तो है भाई। मतलब मेरे सपने तो बहुत सारे हैं, पर इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपने YouTube चैनल पे काम करूं और उसे एक अच्छा चैनल बना सकूं। मेरी सबसे बड़ी थ्रेट है मेरा बैड टाइम मैनेजमेंट। मतलब मैं पूरे दिन बस ये सोचती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, और मैं पूरे दिन करती क्या हूँ, बस सोचती हूँ। मजाक कर रही हूँ, इतनी वेली नहीं बैठी हूँ मैं, लिखती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, भाई ऐसे पैसे कमाने पड़ते हैं इधर उधर घूमने के लिए। और क्लाइंट्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे और काम दे दो यार। जब आप खुद का आंकलन करें तो कृपया हर भाग में 5-5 पॉइंट्स लिखें। और अब बताती हूँ मजेदार बात। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी खराब हो रहा है, मतलब जो आपने थ्रेट्स में लिखा है, वो सब चीजें आपकी वीकनेसेस से बन रही हैं।
जैसे मेरा एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने लिखा था कि मेरी थ्रेट है बैड टाइम मैनेजमेंट और मेरी कमज़ोरी है लेज़ी, राइट? तो कोई भी इंसान जो आलसी है उसका टाइम मैनेजमेंट हमेशा ख़राब ही होगा, क्योंकि वो पूरे टाइम सोएगा, पार्टी करेगा, जो उसे नहीं करना वो करेगा, पर जो उसे एक्चुअली करना था वो नहीं करेगा। तो जिन चीज़ों को ज़्यादा वक्त देना था उनको तो वो वक्त दे ही नहीं पाया, हो गया टाइम मैनेजमेंट ख़राब। तो यानी मीनिंग बड़ा क्लियर है, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी ख़राब हो रहा है वो हमारी खुद की कमज़ोरियों के कारण ख़राब हो रहा है। और इसी तरह अगर हम सोचें तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है या हो रहा है वो हमारी खुद की ताकतों के कारण ही अच्छा हो रहा है। जैसे कि इस वक्त मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरा यूट्यूब चैनल, और उस पे मैं इसलिए काम कर पाऊँगी क्योंकि राइटिंग, वॉइस ओवर, ये मेरी स्ट्रेंथ हैं। और खुद का आंकलन करने के बाद आप भी यही पाएंगे कि आपकी लाइफ में जितनी भी थ्रेट्स हैं वो आपकी वीकनेसेस से बन रही हैं, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी स्ट्रेंथ से बन रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा या जो भी बुरा होता है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसीलिए किसी बहुत ही समझदार इंसान ने कहा था, आपको बनाने और बिगाड़ने वाली अगर कोई ताकत है तो वो सिर्फ आप हैं। अगर आप अपना आंकलन सही से करेंगे तो आपको हर हफ्ते एक नई कमजोरी दिखेगी, हर हफ्ते एक नई ताकत दिखेगी, और आपको बस ये करना है कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकतों में बदलें, अपनी समस्याओं को समाधानों में बदलें। तो बस ये करना है। आ, 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 एक और चीज करनी है, लिखना है। आंकलन तो हमें हफ्ते में किसी एक दिन करना है, पर ये वाली चीज हमें रोज करनी है। सबसे पहले तो एक डायरी लेनी है और इसमें तीन रेखाएं खींच देनी है। सबसे पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे थॉट्स, दूसरे वाले कॉलम में हम लिखेंगे फीलिंग्स, और तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे एक्शन। तो पहले कॉलम में आपको बस अपने विचार बताने हैं, और यहाँ आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने विचारों पर, तभी जाके आपको एकदम अंदर धसे हुए वहम मिलेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं अगर मुझसे किसी ने पेन मांगा और अचानक से मेरे दिमाग में आ गया वहम, मेरे सामने पड़े हैं 5 पेन, मैं कोई भी पेन उठा के दे सकती हूँ, पर नहीं, मैंने अंदर ही अंदर एक कहानी बना ली कि अगर मैं ये पेन उठाऊंगी तो प्रमोशन रुक जाएगा, ये पेन उठाऊंगी तो नौकरी चल जाएगी, ये पेन उठा लिया तो भूकंप आ जाएगा, ये पेन उठा लिया तो सब ठीक होगा, पर ये पेन उठा लिया तो सुनामी आ जाएगी। तो अब मुझे इस वहम को थॉट्स वाले कॉलम में लिखना है कि मेरे दिमाग में ये चीजें आई। अब फीलिंग्स वाले में मुझे लिखना है कि जब ये मेरे दिमाग में आया तो मुझे कैसा लगा, मुझे टेंशन हुई, मुझे डर लगा। ओसीडी में या तो आपको डर लगेगा या टेंशन होगी, और वो भी लगता है सेकंड कॉलम में लिखिए। और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे कि इस सोचने समझने के बाद हमने क्या किया। तो मतलब ओसीडी में आदमी इतना डर जाता है वो और कोई पेन नहीं उठाएगा, क्योंकि उसका माइंड उसे कन्विंस कर चुका है कि अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा, तो वो दाएं तरफ से बीच का पेन उठा लेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ जैसा आप करते आए हैं वैसे करना है और लिखना है। एक हफ्ते तक हमें बस अपने सारे वहम नोट डाउन करके उस डायरी में लिखने हैं। अब दूसरे हफ्ते से हम ये सोचने लगते हैं कि आपको कौन से वहम ज्यादा आ रहे हैं, पर अब ये याद कैसे रखें कौन सा कितना आ रहा है, याद रखना ही नहीं है। बस हर समय अपने साथ आपकी डायरी रखिए, और जैसे ही आपको वहम आता है डायरी खोल लीजिए। और हमने शुरू में 3 लाइनें बनाई थी जिससे अपने आप 4 कॉलम बन गए, तो जो आखिरी का कॉलम है उसमें जैसे ही आपको कोई वहम आए उसके सामने आखिरी के कॉलम में एक क्रॉस लगा दीजिए, और दूसरे हफ्ते के एंड में जिसके सामने सबसे ज्यादा क्रॉस वो वहम आपको सबसे ज्यादा आता है, पता चल गया कौन सा वहम कितना आता है। अब दूसरे हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते से हम उन वहमों को तोड़ने लगेंगे, पर अब आता है सवाल कैसे। लोग यहां तक सब सही करते हैं पर यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि जो ख्याल सबसे ज्यादा आ रहा है उससे शुरू करते हैं। नहीं, क्योंकि वो सबसे मजबूत ख्याल है इसीलिए तो वो इतना ज्यादा आ रहा है। उस ख्याल को बनने में हो सकता है साल लगे हों,
तो उससे कभी शुरू नहीं करना। जो सबसे कम आ रहा है उसे सबसे पहले तोड़ना है। और तोड़ना कैसे है? सोच के। जैसे ही वो ख्याल आपके दिमाग में आए, सोचिए और वो करिए जो कि एक समझदारी वाला ऑप्शन है। अगर कोई आपसे पेन मांग रहा है तो वो पेन मत उठाइए जो सेफ है, वो पेन उठाइए जो आपके पास है। और जितनी बार आप अपने वहम की नहीं सुनेंगे और समझदारी से काम लेंगे, उतनी बार आपको ये रियलाइज होगा कि आपके वहम में कोई सच्चाई नहीं है। आप कौन सा पेन उठाते हैं उससे ना ही आपकी नौकरी पे फर्क पड़ रहा है और ना ही कोई आकस्मिक आपदा आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये आपको खुद के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको आपका डॉक्टर 100 बार बोल सकता है कुछ नहीं होगा, मैं बोल सकती हूँ कुछ नहीं होगा, पर जब तक ये आप खुद महसूस नहीं करेंगे तब तक OCD वहीं का वहीं रहेगा। तो इसीलिए ये डायरी हर दिन मेंटेन करना जरूरी है। और धीरे धीरे सबसे कम आने वाले ख्यालों को तोड़ते हुए हमें ऊपर आने वाले ख्यालों तक जाना है। और जब आप अपने पुराने ख्याल तोड़ेंगे तो आपको हो सकता है डर लगे, ज्यादा चिंता हो, बेचैनी हो, और इसीलिए आपको मेरी CBT फॉर एंग्जाइटी वाला वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि आपका OCD नया नहीं है। इतने सालों से चल रही बीमारी जल्दी नहीं टूटेगी। जब हम ये तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग इसको बचाने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग कई सालों से इस कैद में है। तो इसीलिए हो सकता है आपको डर लगे, बेचैनी हो, इसीलिए आपको OCD की CBT के साथ एंग्जाइटी की CBT भी करनी चाहिए। तो हमारी डायरी की सहायता से हम धीरे धीरे करके एक एक वहम हटाते जाएंगे। पर ये वहम आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिजी रहना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप खाली बैठे होते हैं तब आपके दिमाग में ज्यादा ख्याल, ज्यादा वहम आते हैं। यानी कि सही बात है, खाली दिमाग शैतान का घर। अब हमें बिजी होना है। आप नई चीजें कर सकते हैं, और घर से बाहर निकलिए, पुराने दोस्तों से मिलिए, तैरना सीखिए, कोई नया गेम सीखिए, जैसे भी हो खुद को बिजी रखिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ऑब्सेशंस, कंपल्शंस, आपके थॉट्स, ये सब कम होने लगेंगे। आपका OCD अपने आप कम होने लगेगा। होता क्या है, दो तरह का तनाव, मतलब यानी कि स्ट्रेस होता है। जो पहला वाला स्ट्रेस है वो गंदा वाला है, मतलब ना इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर जो दूसरा वाला है, ये वाला हमारा हीरो है, ये हमें OCD के खिलाफ जिताएगा। बंदे का नाम है यू स्ट्रेस। ये वाला हमें तब मिलता है जब हम वो चीजें करते हैं जो हमें पसंद है। अब यू स्ट्रेस क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल आपको ये ही समझना है कि बिजी रहने में फायदा है। तो अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया है तो 1 महीने के अंदर आपको 20-40% फायदा दिखना चाहिए। पर अगर आपको कोई भी फायदा महसूस नहीं हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर की हेल्प जरूर लें। और अगर आपको किसी साइकाइट्रिस्ट या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना भी पड़ता है तो भी ये जो 1 महीने आपने CBT करी है ये आपकी एक्चुअली बहुत मदद करेगी, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को कम से कम 2 सेशन चाहिए सिर्फ आपके प्रॉब्लम को समझने में। और अगर उस समय आप उनको अपनी डायरी दिखा सकते हैं जिसमें आपने अपने ऑलरेडी सारे वहम लिख रखे हैं, तो आपके डॉक्टर भी आपकी मदद जल्दी कर पाएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है तो भी आपका OCD आपसे ज्यादा मजबूत नहीं है। आपके दिमाग में जो डर बैठ गया है, आपके दिमाग में इतनी सारी जो वहम बन गए हैं, उन्हें आपके दिमाग ने ही बनाया है, और आपका दिमाग उन्हें तोड़ भी सकता है। बस थोड़े से वक्त और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो अगर आप जानते हैं किसी इंसान को जिसे OCD है तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए और उसकी मदद कीजिए। अगर आपको OCD है तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। साइड में वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी है, तो अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं ये वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगा डिप्रेशन की CBT पर, तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसे मदद की ज़रूरत है प्लीज़ वो वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ 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 अपनी मानसिक सेहत को हल्के में मत लीजिए, अपना हर तरीके से ध्यान रखिए। और हाँ,
देखते रहिए।